तो जब तक पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, तब तक यूपी में किसी अपराध को अंजाम देना किसी अपराधी के बस की बात नहीं रह गई है। पुलिस बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रही है। पुलिस की गोली का शिकार हुए बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। हरदोई और गाजियाबाद में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जब बदमाशों की हरकत पर पुलिस ने पानी फेर दिया। हरदोई में गौ तस्करों से मुठभेड़। जंगल में चली गोली, दो गौ तस्कर हुए गिरफ्तार। गाजियाबाद में शातिर को धर दबोचा। साहिबाबाद में हुई मुठभेड़। हरदोई में दिन दहाड़े पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस तस्करों को तलाशने के लिए खेत की ओर भाग पड़ी। थाना बेनीगंज क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। फिर क्या था, आगे आगे तस्कर और पीछे पीछे पुलिस। पुलिस भाग रहे तस्करों को रुकने की चेतावनी देती है, लेकिन वो पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं। पुलिस भी बदमाशों की फायरिंग का जवाब देती है और इस मुठभेड़ में दो तस्कर गोली लगने से घायल हो जाते हैं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इसी बीच घायल पड़े तस्करों का एक और साथी पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगता है, जिसकी गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। इसके बाद पुलिस टीम के सभी जवान भाग रहे बदमाश के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हैं। यहां भी पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की गवाही देती इन तस्वीरों को देखिए। मौत का सामान और घटना स्थल पर पड़ी एक बाइक इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ बदमाशों की किसी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। आज शाम को करीब 5 बजे के बाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जुल्फिकार उर्फ जुल्लू नाम का एक बदमाश है जो गोली लगने से घायल हुआ है, उसको एडमिट करा दिया गया है। और वो एक्चुअली वर्ष 2009 में एक घटना हुई थी साहिबाबाद क्षेत्र में ही, फर्रुख नगर चौकी में आगजनी और तोड़फोड़ की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसका ये मुख्य अभियुक्त था और इसकी तलाश की जा रही थी वर्ष 2009 से ही। दरअसल साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। साल 2009 में फर्रुख नगर चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपी जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। लंबे वक्त से ये बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर घूम रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो इन लोगों ने तेजी से अपनी बाइक को भगा लिया, तो आगे जाके पुलिस पार्टी को अलर्ट करते हुए घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद यहाँ बबलू भट्टा एक जगह पड़ती है टीला मोड़ के आगे, वहाँ पे पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश घायल हुआ है। और उसके पास से जिस बाइक पे ये लोग सवार थे, वो बाइक लोधी रोड दिल्ली से बताई जा रही है कि वहाँ से ये बाइक चोरी की बताई जा रही है। और पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से बदमाशों के हौसले पस्त हैं। एक तरफ हरदोई में पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं गाजियाबाद में भी इनामी बदमाश को धर दबोचा। हालांकि पुलिस का ये ऑपरेशन क्लीन अपराध के खात्मे तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।